हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचर्स डेस्क फ्रेंड्स सीटेट ने अपना एक फ्रेंड्स सीटेट ने अपना एडमिट कार्ड जारी कर दिया है जो जुलाई 2020 में होने वाला था लेकिन कोविड 19 के चलते अब 31 जनवरी 2021 को होगा तो इस एडमिट कार्ड को कैसे डाउनलोड करें इसका प्रोसीजर मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ इसके साथ साथ उसमें जो एडवाइजरी नोटिस दिया गया है उसका भी मैं डिटेल में चर्चा करूंगा तो इस वीडियो में बने रहिए एक लास्ट तक तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को तो सबसे पहले आप किसी ब्राउजर में जाके वहाँ पे सर्च बार में सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट को टाइप करेंगे तो इस तरह से आप टाइप करेंगे उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा जिसमें से आप किसी भी लिंक पर क्लिक करके एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर पाएंगे तो लिंक में क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा तो यहाँ पे अब आप अपना एप्लीकेशन नंबर डालेंगे फिर डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और ये सिक्योरिटी पिन को इस वाले स्पेस में डालेंगे इसको डालने के बाद आपके पास इसको डालने के बाद आप यहाँ पे सबमिट का बटन दबाएंगे फिर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जो एक एडवाइजरी नोटिस है जो सी के द्वारा जारी किया गया है तो मैं इसी एडवाइजरी नोटिस की बात कर रहा था तो इसमें क्या लिखा है चलिए देखते हैं इसमें लिखा है कि सी बी एस ई विल इम्प्लीमेंट सोशल डिस्टेंसिंग मेजर्स एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस इन करंट सिनेरियो ऑफ कोविड नाइन्टीन टू इंश्योर हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ द कैंडिडेट्स यानी कि सी जो है वो कोविड नाइन्टीन के इस क्रिटिकल सिचुएसन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो गाइडलाइंस जारी किए गए हैं उसको फॉलो करेगी आगे है एडिक्यूट मेजर्स आर इम्प्लीमेंटेड यानी कि पर्याप्त उपाय किए गए हैं फॉर द सेफ्टी ऑफ ऑल सभी की सेफ्टी के लिए विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द हाई स्टैंडर्ड्स सेंगटिटी एंड फेयरनेस इन द कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन यानी कि इस दौरान पर्याप्त उपाय किए गए हैं ताकि एग्जामिनेशन के स्टैंडर्ड सेंगटिटी तथा फेयरनेस को किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो उसमें किसी तरह का कमी ना आए ओके आगे है कैंडिडेट्स आर आल्सो रिक्वायर्ड टू एडहेर टू गाइडलाइंस एंड न्यू प्रोसेस यानी कि कैंडिडेट्स को न्यू प्रोसेस तथा गाइडलाइंस को फॉलो करने की आवश्यकता है फॉर सोशल डिस्टेंसिंग एंड हाइजीन ताकि उनकी टू इंश्योर सेफ्टी एंड हेल्थ ऑफ देयर ओन एंड फेलो कैंडिडेट्स यानी कि ताकि उनकी सेफ्टी तथा उनके साथ जो कैंडिडेट्स एग्जाम देने आए हैं उनकी सेफ्टी का ख्याल रखा जा सके फिर आगे है फॉर सेफ्टी परपसेज सी बी एस ई स्ट्रांगली एडवाइजेज कैंडिडेट्स नॉट टू ब्रिंग एनीथिंग अदर दैन परमिटेड आइटम्स यानि कि सी टेट के द्वारा यह कहा गया है कि आप केवल उन्हीं चीज़ों को लाए जो एग्जामिनेशन हॉल में परमिटेड हैं हाईवर इन केस ऑफ अन एवॉर्डेबल सिचुएसन

यानी कि एग्जाम सेंटर में एंटर करने से लेकर एग्जाम सेंटर से बाहर आने तक आपको सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना है फिर कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग देयर ओन मास्क ग्लव्स पर्सनल हैंड सैनिटाइजर ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल पेन एंड द टेस्ट रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स लाइक एडमिट कार्ड आई कार्ड यानी कि इन सारे चीज़ों के अलावा आप कुछ भी नहीं ला सकते नो अदर आइटम्स विल बी परमिटेड इन द टेस्ट वेन्यू यानी कि मास्क ग्लव्स पर्सनल हैंड सैनिटाइजर ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल पेन एंड द टेस्ट रिलेटेड डॉक्यूमेंट के अलावा आप एग्जामिनेशन हॉल में कुछ भी नहीं ले जा सकेंगे फिर नेक्स्ट पॉइंट कि कैंडिडेट्स मस्ट साइन द डिक्लेरेशन प्रोवाइड बिलो यानी कि नीचे में एक डिक्लेरेशन दिया गया है जिसमें आपको साइन करना है अप्रोप्रियटली एंड शो द सेम टू देंटर स्टाफ एट द एंट्री इन टू द टेस्ट सेंटर यानी कि टेस्ट सेंटर में एंट्री करने के दौरान आपको यह डिक्लेरेशन पेपर जो है वो एंट्री सेंटर स्टाफ को दिखाना है फिर है द टेम्परेचर ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी चेकड एट द एंट्री टू टेस्ट द वेन्यू वाया थर्मोगन यानी कि जब आप एंटर कर रहे होंगे वहाँ पे तो आपका टेम्परेचर थर्मोगन की सहायता से मापा जाएगा फिर है कैंडिडेट्स नीड टू फॉलो डायरेक्शंस गिवन बाय द एग्जाम सेंटर रिप्रेजेंटेटिव ड्यूरिंग द एंट्री एंड एग्जिट इन द एग्जामिनेशन सेंटर यानी कि कैंडिडेट्स को एग्जाम सेंटर रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा दिए गए डायरेक्शंस को फॉलो करना है एंट्री से लेकर एग्जिट तक में फिर है कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू सैनिटाइज हैंड्स बाय वॉशिंग विथ सोप एंड विथ हैंड सैनिटाइजर बिफोर एंट्री इन सेंटर यानी कि सेंटर में प्रवेश करने से पहले आप अपने हाथों को धोना है तथा सैनिटाइज भी करना है हैंड सैनिटाइजर विल बी अवेलेबल एट वेरियस लोकेशंस इन द सेंटर यानी कि सेंटर पर आपको अलग अलग जगहों पर हैंड सैनिटाइजर मिल जाएंगे जहां पे आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं फिर है ऑन कम्पलीस ऑफ एग्ज़ाम द कैंडिडेट्स विल बी परमिटेड टू मूव आउट इन एन ऑर्डरली मैनर यानी कि जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए तो आपको यह परमिशन होगी कि आप ऑर्डरली मैनर में बाहर जाए ऐट अ टाइम प्लीज़ वेट फॉर इंस्ट्रक्शन फ्राम इन्विजिलेटर एंड डो नॉट गेट आउट फ्राम योर सीट अनटिल एडवाइड यानी कि आप अपने सीट पर तब तक बैठे रहेंगे जब तक इन्विजलेटर के द्वारा आपको एडवाइस न दे दिया जाए कि आप कब बाहर निकल रहे हैं उसके बाद आपको यहाँ पे एक टिक करना है जहाँ पे लिखा गया आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड दाइजरी यानी ऊपर की बातें मैंने सब समझ ली और पढ़ भी ली एंड strictly adhere द सेम और इसे मैं फॉलो भी करूँगा कड़ाई के साथ फिर आप एडमिट कार्ड डाउनलोड एडमिट कार्ड में क्लिक करेंगे फिर आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा जहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन की बात की गई है तो यहाँ पे लिखा गया है आई डिक्लेयर दैट आई डोंट हैव एनी ऑफ द बिलो लिस्टेड सिम्टम्स कि मैं यह बात डिक्लेयर करता हूँ कि नीचे जितने सिम्टम्स दिए गए हैं इनमें से कोई भी सिम्टम्स मेरे में नहीं है यानी कि कफ कोल्ड रनी नोज फीवर ब्रीदिंग प्रॉब्लम इन सारे प्रॉब्लम में कोई भी लक्षण मेरे में नहीं है फिर आई एम सर्टिफाइंग दैट आई हैव नॉट बीन आइडेंटिफाइड एज अ पोटेंशियल करियर ऑफ द कोविड नाइन्टीन वायरस यानी कि मैं प्रमाणित करता हूँ कि मेरे में उपरोक्त कोई भी लक्षण नहीं है कोविड नाइन्टीन के आई ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट द हेल्थ एंड वेल बिंग ऑफ़ आवर कम्युनिटी इज़ आवर फर्स्ट प्रायोरिटी मैं इस बात को भी समझता हूँ कि हमारा हेल्थ और हमारी वेल बींग कम्युनिटी हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है देयर फोर द एग्जाम एग्जाम सेंटर रिजर्व द राइट टू डीनाई एंट्री टू इट्स परमिशन इसीलिए एग्जाम सेंटर के पास यह अधिकार है कि वे हमें एग्जाम सेंटर के क्षेत्र में प्रवेश करने से मना भी कर सकती है यदि ऐसी आवश्यकता पड़े तो हालांकि जनरली ऐसा होता नहीं है फिर कैंडिडेट अपना यहाँ पे नाम रोल नंबर डेट ऑफ एग्जाम एग्जाम सेंटर नेम एंड एड्रेस भरेंगे फिर लास्ट में आपका सिग्नेचर फिर है उसके बाद है द कैंडिडेट मस्ट फिल अप द एबव सेल्फ डिक्लेरेशन एंड कीप द सेम विथ हिम हर और ये सेल्फ डिक्लेरेशन वो अपने साथ रखेंगे ही सी मस्ट शो दैंड ही सी मस्ट सो द डिक्लेरेशन एट द टाइम ऑफ एंट्री इन द एग्जामिनेशन सेंटर इफ आज फॉर यानी कि जब आप एग्जाम सेंटर में एंटर करेंगे तो यदि आपको यह देखने को मांगता है तो आप इसे दिखाएंगे फिर आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा जो आपका एडमिट कार्ड होगा सी का तो ये तो आपने देख ही लिया होगा फिर इसमें कुछ नोट में लिखा गया है जो मैं सिर्फ पढ़ देता हूँ उसके बाद हम लोग तो नेक्स्ट वीडियो में जो इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस फॉर कैंडिडेट्स दिए गए उसको आवश्यकता पढ़ने पर बनाएंगे यदि आपको उसका वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं फिलहाल मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि आप अपना एग्ज़ाम सेंटर डेट ऑफ बर्थ नाम फादर्स नेम सब कुछ चेक कर लें किसी भी तरीके का प्रॉब्लम हो तो यहाँ पर दिया गया सीट का एक ई मेल यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं तो आपके एडमिट कार्ड में आवश्यकता अनुसार सुधार हो सकता है लेकिन यह काम आपको एग्जाम से कुछ दिन पहले ही करना पड़ेगा यहाँ नोट में लिखा गया है इन केस सिग्नेचर एंड और फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट इज आर मिसिंग और नॉट प्रोपर विजिबल और नॉट पर्टेनिंग टू द कैंडिडेट इन द एब ऑनलाइन एडमिट कार्ड फॉर सीटेड जनवरी ट्वेंटी यानी यदि आपके एडमिट कार्ड में किसी भी तरह की त्रुटि है सच कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू सेंड स्कैंडी ऑफ सिग्नेचर एंड और फोटोग्राफ टू सी टेट यूनिट थ्रू ई मेल ऑन सी टेट जुलाई ट्वेंटी एट द रेट ऑफ जी मेल डॉट कॉम तो आप इस ई मेल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं तो इसके लिए आपको अपना सिग्नेचर या फोटो का स्कैंड कॉपी भेजना होगा इसी ई मेल पर और कॉन्टैक्ट सी टेट यूनिट फॉर इंक्लूजन ऑफ द सेम इन एडमिट कार्ड या फिर आप सीटेड यूनिट से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं ताकि आपके सिग्नेचर या फोटोग्राफ को आपके एडमिट कार्ड में सही तरीके से शामिल किया जाए लागू किया जाए सुधार किया जाए कैंडिडेट्स हैव एडमिट कार्ड विदाउट प्रॉपर विजिबल फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर इन सीड जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी वन इन एनी कंडीशन यानी कि यदि आपके एडमिट कार्ड के सिग्नेचर या फोटोग्राफ में किसी तरह की त्रुटि है तो आपको कोई भी हालत में एडमिट तो आपको कोई भी हालत में सी का एग्ज़ाम देने नहीं दिया जाएगा और इसमें फिर कहा गया कि फर्दर प्लीज चेक द पर्टिकुलर्स एंड अदर डिटेल्स दैट इज नेम डेट ऑफ बर्थ जेंडर कैटेगरी मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर लैंग्वेज ऑफर्ड फॉर पेपर वन एंड और पेपर टू एंड सब्जेक्ट ऑफर्ड फॉर पेपर टू ऑफ एडमिट कार्ड विद द फाइनल कन्फर्मेशन पेज इन केस एनी पर्टिकुलर ऑफ एडमिट कार्ड इज़ नॉट मैचिंग विद द फाइनल कन्फर्मेशन पेज द कैंडिडेट मे कम्युनिकेट द सेम टू सीट फॉर नेसेसरी करेक्शन इमिडिएटली यानी कि कन्फर्मेशन पेज और आपके एडमिट कार्ड में यदि किसी तरह की डिसिमिलैरिटी है तो आप सीटेड यूनिट से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ताकि आपके एडमिट कार्ड में आवश्यकता अनुसार सुधार किया जा सके तो फ्रेंड्स ये वीडियो यहीं समाप्त होता है आपको मेरा प्रयास कैसा लगा यदि अच्छा लगा यह वीडियो आपको तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें कमेंट करें और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर बाय बाय